बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बनाऊंगी चिकन पकोड़े। वीडियो की जानब बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए जी शुरू करते हैं। हाँ जी, ये 3 पाव क्रीम चिकन है, चिकन बोनलेस मैंने लिया। ये ऐसे टुकड़ों में इसको काट लिया, ठीक है जी। इसको धो के रख लिया। सुरह मिर्च कुटी दड़ा आधा चम्मच, कुटी सुरह मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच से कुछ कम, ज़ीरा आधा चम्मच से कुछ कम, नमक हसब ज़रूरत। इसकी मैरिनेशन करेंगे हम। ये सारे मसाले मैं इसमें डालूंगी। ये काली मिर्च कुटी पीसी है, ये जाएगी हसब ज़रूरत, ये आधा चम्मच के करीब। मसाले आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पिसा कुटा धनिया आधा चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच से पीसा कुछ कम है, ये कसूरी मेथी है, ये चलेगी। ये लहसुन के 4-5 जवे मैंने लिए, इनको बारीक मैंने पीस लिया, ये चला गया इसके अंदर। ये 2-3 हरी मिर्चें ली मैंने, ये भी चलेगी। इसको हम मिक्स कर लेते हैं आपस में, ऐसे इसको मिक्स कर लेंगे हम, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। हाँ जी, मैंने इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। ये प्याज एक अदद इसको बारीक मैंने काट, ये चलेगी इसके अंदर। हरा धनिया मैंने बारीक काट लिया था, ये पुदीने की चंद पत्तियाँ, ये भी चलेंगी। ये एक अदद अंडा है, इसको हम तोड़ कर डाल लेते हैं इसके अंदर, एक अंडा, ये भी चलेंगे। इसको फिर हम मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाँ जी, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया चिकन को, सारे मसाले डाल के इसको करूँगी मैं साइड पे। तो अब बेसन की हम पेस्ट बनाएंगे ये आपके सामने। ये एक पाव के करीब बेसन है, हमें जितना बेसन चाहिए होगा उतना हम बेसन इस्तेमाल करेंगे। ये अजवाइन आधा चाय का चम्मच है, और ये हल्दी आधा चाय का चम्मच, ये चलेगी। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, इसको हम ऐसे मिक्स कर लेते हैं। पानी डालूँगी, इसको हम ना गाढ़ा करेंगे और ना इतना पतला करेंगे। हाँ जी, पेस्ट मैंने तैयार कर लिया, आपने बिल्कुल इसी फॉर्म में बनानी है, ना ज़्यादा पतली और ना गाढ़ी। इसमें हम डालेंगे ये वाला अपना चिकन जो मैरिनेट किया था मैंने, ये चला जाएगा इसके अंदर। इसको हम मिक्स करेंगे, फिर इसके पकौड़े हम निकालेंगे। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। आपको अगर मसाले कम लगते हैं आप डाल सकते हैं, अगर बच्चों ने खाने हैं तो आप मसाले अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। हाँ जी, ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, अब इसके हम पकौड़े निकालेंगे। ऐसे ही आपने तैयार करना है, ठीक है जी। ये रमज़ान स्पेशल है, हम कढ़ाई रखेंगे चूल्हे पे। इसमें डालूँगी ऑयल में हसब ज़रूरत, जितना ऑयल हमें चाहिए होगा। ऑयल हमारा गर्म होता है फिर हम पकौड़े निकालते हैं। हमारा गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे हम पकौड़े, हम निकालते हैं। ये 1 पाव के करीब बेसन था, 3 पाव हमारा चिकन था, ऐसे हम निकालेंगे एक एक करके ना। इसको डालेंगे, जी पकौड़े मैंने डाल दिए, इनको ब्राउन करना है हमने, ठीक है जी। इनको हम चला लेते हैं, ब्राउन करना है 2-3 मिनट के लिए इनको हम पकाएंगे। हाँ जी, देखिए ये एक साइड से पक चुके हैं, हम दूसरी साइड से इनको पका रहे हैं, फिर इनको हम निकालेंगे। ब्राउन हो जाएंगे फिर इनको हम निकालेंगे। हाँ जी, पकौड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनको निकालेंगे प्लेट में।
ऐसे हम दूसरे भी तैयार करेंगे, फिर इनकी फाइनल लुक आपको दिखाएंगे। हाँ जी, चिकन पकोड़े हमारे बिल्कुल तैयार हैं, आप भी ज़रूर बनाएं, बहुत मज़े के बने हैं। मैंने ये रायता और केचप के साथ रखे हैं। वीडियो को लाइक करें और हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।